को जानना है, ये जानना ऐसे सहज नहीं होता। ये जो जानना है आत्मा को जानना, ये बहुत समय तक इसका अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास जो होता है वो गुरु के मुख से ही होता है। जब तक हम गुरु वाक्य श्रवण नहीं करते तब तक ये अभ्यास हमारा दृढ़ नहीं होता, और हम साधनों को नहीं जानते तो अविद्या काम कर्म जो तीन दोष बताए हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, बहुत इन पर जोर दिया। अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म को किसी प्रकार से साधनों से हम नष्ट करें, और नष्ट करके हम गुरु की शरण में जाएं, और गुरु की शरण में जाकर श्रवण मनन निध्यासन करें, श्रवण करें फिर मनन करें फिर निध्यासन करें, तो अवश्य ही हमें आत्म साक्षात्कार होगा। इसी के साथ सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बहुत सुंदर स्वामी दिनेशानंद जी ने अपने विचार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के बहुत प्यारा प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि से बड़ा सुंदर वो जो तीन आयाम जो बताए, मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संत्रया, इसको सूत्र को आप सबको दिए। माताओं सज्जनों, आज का ये समूचा दिन दो सत्र में, प्रातःकालीन सत्र और ये सायंकालीन सत्र, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के लिए समर्पित, उनके ही विषय में ये संत महापुरुषों ने कोई न कोई सूत्र लेकर के आप सबके सामने में अपनी सेवा दे। और ये सुंदर आप सभी नहीं श्रवण कर रहे हैं अपितु दूर दराज में बैठे लोग, सात समुद्र उस पार में भी लोग, ये सुंदर आजकल मीडिया का जमाना, चैनल का जमाना, और संत वाणी ये चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाइव सीधा प्रसारण चल रहा है। न जाने कितने कितने लोग सब संत महापुरुष का ये सब दर्शन कर रहे हैं, और संत महापुरुष के वाणी वचन को सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही आपको आज तो प्रथम दिवस है, कल 13 तारीख और परसों 14 तारीख और बृहद कार्यक्रम होगा। माताओं सज्जनों, चूँकि ये कार्यक्रम लाइव जो है सीधा प्रसारण 5 बजे तक ये चलेंगे, तो इसलिए इसमें उसके बाद में भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। मैंने वही स्वामी जी से मैंने बात की, तो माताओं सज्जनों अब हम जो है ये कार्यक्रम का आज का समूचा दिन का कार्यक्रम का अध्यक्ष पद में सुशोभित करने वाले महामंडलेश्वर हरिओम। माता बहने बैठे, माता बहने आप बैठे रहिए, हाँ आवाज़ को सही कर रही साउंड वाले। हरिओम 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 हरिओम, साउंड को सही करे। बोले कृष्ण भगवान की, बोले सावरिया सेठ की, माइक को सही कर भाई, थोड़ी आवाज को ठीक करो, आवाज को सही करो। बहुत ही सुंदर आज के प्रवचन के अंदर, ज्ञान सत्र के अंदर ज्ञानी महापुरुषों के अमृत वचन अपन सबने रसवान करके अपने जीवन को सार्थक और सफल किया। भगत एक इच्छा करता है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो, उसी को लेकर के एक संक्षेप में, माता बहने बातें नहीं करी, भजन को सुने, एक मैं संक्षेप में भजन ले रहा हूं। बोले शंकर भगवान की, हाँ जीतू भाई, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सांवरा, कद मारे आंगणी पधारो ना,
अजय मारे आंगणिए पधारो ना, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा, कदे मारे आंगणिए पधारो ना, कदे मारे आंगणिए पधारो ना।
सुनी बताओ ना कदे मरे अंगनी पधारो ना सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा कदे मरे अंगनी पधारो ना कदे मरे अंगनी पधारो ना कदे मरे अंगनी पधारो कदे मारी व्यथा मिटाओ ना कदे मारे अंगनी पधारो ना सुन सुन रे मारा प्यारा रे सावेरा 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 कदे मारे अंगनी पधारो ना कदे ध्यान दीजो भाई लोग समझो काफी समय से मैं इंतजार करतो थो मैं आ वार्ड जो रियो थो इन बात ने लेने में उड़ीग रियो थो क्योंकि मारा महामंडलेश्वर जी अनंत विभूषित स्वामी अभयानंद जी महाराज मारे खूणी और गुड़ माड़वाड़ी भाषा में क्यों आ गया मारे खूणी और गुड़ अड़ो लगायो उन्हें मैं करीब 8 मिनट सु भक्तों रे बीचर माने घूम रियो थो क्या भाई माने मारा श्री जो खूणी और गुड़ लगायो और कद मने चखवाने मिल ओ गुड़ रो रस ओ आनंद ओ कद मने मिल आ घड़ी कद आई परमात्मा सुने प्रार्थना करियो तो सुन सुन रे मारा प्यारा सांवरा कद मारे आंगणी महापुरुष ए संत पधारे परमात्मा सुने प्रार्थना करियो कि हे सांवरा हे प्रभु आ अरदास जो मारे महाराज श्री जो इच्छा है आप पूरी हो गए आपकी इच्छा थी हम मारी इच्छा आज परमात्मा सु प्रार्थना आज पूरी हुई संत महापुरुष की कृपा हुई आज अटे आ घड़ी ओ दिन आज अपने अटे आगे आने वाला और 3 दिन काले और परसों ध्यान देने सुन जो सोजत्रा नगर वासियों सगला भाइयों ओ आपरे वास्ते सोनारो सूरज है के अटे सोजत नगरी रे माने बड़ा बड़ा महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर संत
विभूतिया पधार रही है और अपने माते कृपा कर रही है और सोजत रे इतिहास रे माने स्वर्ण अक्षरों रे माने आदित्य रूप में लिखियो जा रही है। महाराज री बड़ी कृपा हुई, आप री प्रेरणा सुई, आप री मार्ग निर्देशन सुई और सारो कार्य रियो। महाराज जी जब साते में भिक्षा ले रही तो प्रसादी ले रही तो महाराज जी क्यों के चेतनगिरी बड़ो भारी मेलो लगा दियो। मेलो महाराज जहां संत है वहां वसंत है, ध्यान देने सुन जो भाई लो, जहां संत महापुरुष है वहां वसंत है, आनंद है, आनंद ही आनंद है, ये संतों की कृपा है। आज अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अमृत वचनों से भक्तों को आप लाभान्वित करें, इनके जीवन को आप सार्थक करें। बोले शंकर भगवान की जय। हेलो, ओम 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 सहनाभवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इस स्थान के अधिष्ठात्र देव नीलकंठ भगवान वो सिद्ध हैं, जो कोई भी नीलकंठ भगवान को जल चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। प्रतिष्ठा के समय में, प्राण प्रतिष्ठा के समय में मैं यहाँ पर था स्वामी जी। स्वामी जी उनकी सभी माताओं सज्जनों से निवेदन है, कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा शांति का दान दे, बिल्कुल शांत बना करके रहे, थोड़ा सा बच्चे को भी संभाल के रखे। ऐसे भगवान नीलकंठ महादेव और मंच पर विराजमान इस पूरी सभा के और समस्त कार्यक्रमों के सूत्रधार महाराज श्री परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी चेतन गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महाराज श्री सनातन चेतन जी, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञान जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, मीरा जी, कोमल जी, रमा जी, इस तरह विराजमान सभी संतजन, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, स्वामी जगदानंद जी, स्वामी राजेश दास जी, स्वामी दिनेशानंद जी संत भगवान और गोपालानंद जी महाराज, समस्त श्रवण चैतन्य भी ये लोग विराजमान हैं, दिव्यानंद भी, सभी संतों को वंदन, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन। भगवान आद्य जगत गुरु का, शंकराचार्य भगवान का आज आविर्भाव दिवस है, उनका प्राकट्य उत्सव जन्म दिवस है, वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि से आज के दिन से एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो आज का पूरा दिन हम लोग जिनकी करुणा कृपा से अनुग्रहित हैं, उन जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी को समर्पित है।
जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कुछ बातें हमको भी सीखनी है। भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में केरल में प्रकट हुए थे। उनकी अपनी माता के प्रति बहुत भक्ति थी। जीव के ऊपर तीन ऋण है, तीन कर्जा है। अगर आप इस समाज में किसी से लेते हो तो उसका आप पर कर्जा है। हमारे अपने शरीर पर पहला ऋण तो माता पिता का ही है। अगर आपने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए ना। पहला कर्जा मेरा अपने परिवार का है, माता पिता का है। उन्होंने मुझको जन्म दिया, पाला पोसा, अपना समय लगाया, अपना धन लगाया। दया के पात्र हैं जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते। पहला ऋण है। दूसरा ऋण है हमारे ऊपर समाज का। आप किसी के घर में छोटे बच्चे थे, गए, उसने आपको दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया, जाने अनजाने आपके जीवन पे समाज का ऋण है। हम इसको कहते हैं देव ऋण। और तीसरा कर्जा है जिनकी कृपा से हमको काखा गाघा सीखने को मिला, उन ऋषियों का। अगर ऋषि लोग ना होते, हमारे पाणिनि ऋषि ना होते, अगर हमारे अगस्त ऋषि ना होते, अगर हमारे वशिष्ठ ऋषि ना होते, हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता। ये तीन ऋण कर्जा हम सब पर है। भगवान शंकराचार्य जी ने देखो पहला ऋण कैसे पूरा किया है। माँ है आर्यम्बा, जल लेने के लिए उनको दूर जाना पड़ता था। बचपन की घटना है, बचपन की घटना। एक दिन उनकी माँ जल भर के घड़ा लेकर के आ रही थी, हल्का सा उनके गिर पड़ी। भगवान शंकराचार्य जी को लगा मेरी माँ को जल भरने में बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने आवाहन किया, जो नदी दूर बहती थी वो नदी उनके कालड़ी गांव के पास से बहने लगती है। दूसरे दिन से नदी ने रास्ता बदल दिया था। एक घटना मानी जाती है। और अंतिम समय में तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, पूरे गांव का विरोध सह करके भी। हम सबको अपने माता पिता के प्रति हमेशा जितना हो करना चाहिए। हाँ, कभी कभी माँ बाप होते हैं, कोई माँ बाप आपका अनभला नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता, थोड़ा विचार कभी कभी मेल नहीं खाते, सह लेना चाहिए। अगर आप सह लोगे, हमारी एक भाषा है, जो सह ले वो साधु है, जो जान ले वो ज्ञानी, लेकिन जो सह ले वो साधु है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो फिर साधु नहीं है। जो सहता है वो आगे बढ़ता है। तो अगर माता पिता कभी दो शब्द बोल देते हैं तो सहन शक्ति होनी चाहिए हमारे भीतर। भगवान शंकराचार्य जी, एक घटना और आती है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है, कहाँ से जीवन उनका बदलता है, टर्निंग पॉइंट। उनके कर्जदार हैं हम लोग, कम से कम जितने हम लोग बैठे हैं, चाहे हमारे महाराज जी गिरिनामा हैं, मैं सरस्वती नामा हूँ, कोई भारती होंगे, कोई पुरी होंगे, आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हो तो उनके हम लोग ऋणी। जब माँ से बार बार कहते थे मैं सन्यास लूंगा और माँ तैयार नहीं थी, बिना माँ की आज्ञा के हमको नहीं जाना है सन्यास के मार्ग पर। एक दिन उसी नदी में स्नान करने गए भगवान शंकराचार्य जी अपने साथियों के साथ। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, भगवान शंकराचार्य के पांव को पकड़ लिया उसने। जैसे कभी भागवत में गजेंद्र की कथा सुनी होगी, उनके पांव को पकड़ा। भगवान शंकराचार्य शंकर चिल्लाए, जो बगल में उनके पास में शिष्य लोग खेल रहे थे वो दौड़ के गए माँ के पास में। माँ को बताया शंकर को तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया,
माँ दौड़ी दौड़ी आई, रोते हुए विलाप करते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने नदी में पड़े पड़े कहा, माँ तुम मुझको संन्यास नहीं लेने देती ना, अब तो मैं मरी रहा हूं, कम से कम आखिरी समय में तो कह दे संन्यास ले ले, सन्यासी होके मरूं। और माँ के मन में आया कि इसका भाव था, बार बार कहता था, मैं रोकती थी अपनी ममता के कारण, जा ले ले संन्यास। बस ऐसे मुंह से निकला, उन्होंने हाथ में जल लेकर के नदी में ऐसे छोड़ा, भू संन्यस्तो मया, भुआ संन्यस्तो मया, और मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया। मगरमच्छ पांव पकड़ेगा इतनी देर, ओ घर गए बच्चे बुला के लाए, इतनी देर में तो मगरमच्छ खा जाना चाहिए ना, लेकिन मगरमच्छ खाया नहीं, भगवान शंकराचार्य को छोड़ दिया। और उसके बाद भगवान शंकराचार्य घर छोड़ के सन्यासी होके निकलते हैं। आप लोगों के पांव को तो नहीं पकड़ा मगरमच्छ ने? अच्छा देखो, अगर किसी को कहो वहां पर यज्ञ हो रहा है चलो, तो आदमी कहता है चलना तो है मगर, किसी से कहो वहां दान करना है तो आदमी कहेगा दान करना तो है मगर, ये अगर मगर लेकिन यही समझ लो मगर मच्छ। जब आप दिल में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो तो समझो कि पांव ने मगर मच्छ पकड़ लिया। अच्छे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी अब चलते हैं गुरु की खोज में। एक श्लोक उनको याद है, ज्ञान वैराग्य उनके साथ ही है, आकाशात पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बढ़ते जाते हैं, उस जमाने में भी गुरु की खोज आसान नहीं थी। आप लोग भाग्यशाली हो, कम से कम सोजत वाले आप लोग भाग्यशाली हो, मारवाड़ की भूमि वाले, कि आपके यहां पर धरा पर महापुरुष लोग हैं और कम से कम आपके पास चेतन गिरी जैसे तो हैं। ये खुद गुरु की खोज में भटके हैं, यहां से हिमाचल प्रदेश पास नहीं है, आपके गुरु जी ने ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचाया होगा, यहां से कम से कम 600-700 किलोमीटर दूर है, आपके तो धरा पे यही पर। भगवान शंकराचार्य केरल से पैदा चले, आप कल्पना करिए, एक 7-8 वर्ष का बालक, उस जमाने में कोई यात्रा का साधन नहीं, ना कोई राजमार्ग ना कोई साधन, और पैदल चलता हुआ भिक्षा मांगता हुआ और आते हैं मध्य प्रदेश। कम से कम 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा। गुरु खोजना, गुरु का मिलना आसान नहीं, ये ईश्वर कृपा करें तभी मिल सकते हैं। अभी वो महापुरुष कह रहे थे दिनेशानंद, महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का मिलना दुर्लभ होता है, और मिल जाए तो पहचान पाना भी मुश्किल है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यः अमोघस्य। एक वैसे आप लोग अच्छे हो, लेकिन हम लोग इतना समझते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी इज्जत थोड़ी ही कम होती है, जो आसानी से मिल जाती है। ए, आपको इतनी आसानी से चेतन गिरी जी महाराज मिल गए हैं, किस्मत के धनी हैं। जब नर्मदा के तट पे ओंकारेश्वर में पहुंचते हैं, वहां पर नर्मदा जी बाढ़ पर हैं, एक महापुरुष हैं जो नर्मदा के उस पार बीच में, नर्मदा पार करके बीच में एक टापू है।